हेलो गाइस, अगर आप एक जियो यूजर हो तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी कमाल का है, क्योंकि जियो ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया और वो ये कि अभी जो आपको रुपए पड़ रहे थे रिचार्ज के एक महीने के 149, वो अभी आपको 500 रुपए पड़ने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए हम जानते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम सुभाष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हो टेक विश्वास। तो चलिए हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो खबर ये है कि अभी जो जियो है उसने एक अनाउंसमेंट करी है, वो ये कि अगर आप जियो की सिम के अलावा किसी दूसरे पर कॉल करते हो अपने जियो सिम से, अभी आपको 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से देने होंगे जियो को। अगर आप किसी दूसरी कंपनी की सिम पर कॉल करते हो, जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह वगैरह पर करते हो ना, तो आपको 1 मिनट के हिसाब से 6 पैसे देने होंगे। इसके लिए आपको एक अलग से रिचार्ज कराना होगा, उसकी डिटेल मैं आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये खबर क्या है और क्यों ये जो है अनाउंसमेंट किया गया, जियो ने ये कदम क्यों उठाया। तो गाइस, ये ट्राई है, इसने पहले एक रूल निकाला था, वो ये कि अगर एक सिम से दूसरे ऑपरेटर की सिम पर कॉल किया जाता है तो जो जिस सिम से कॉल किया गया है उस सिम के मालिक को जो है पैसे देने होंगे दूसरी सिम के मालिक को। अब कितने पैसे देने होंगे वो ट्राई ने डिसाइड किया था। तो ट्राई ने जो है पहले किया था 14 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से, लेकिन फिलहाल के लिए जो है अभी 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से कर दिया गया। लेकिन ट्राई ने पहले कहा था कि आने वाले समय में हम पूरा ही इसको बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। अभी तक जो जियो की सिम से अगर आप दूसरे की सिम पर कॉल कर रहे थे, जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह, तो जियो को पैसे देने पड़ते थे एयरटेल, वोडाफोन, एयरटेल को, क्योंकि जियो की सिम से जो कॉल किया गया था और 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से उसको देने पड़ते थे। यानी अगर जियो से आपने कॉल किया है तो जियो को, एयरटेल वगैरह को देने पड़ते थे। लेकिन जियो ने अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि ये पैसे अब हम नहीं देंगे, क्योंकि जियो को इससे नुकसान हो रहा है, अब ये पैसे जियो के ग्राहकों को देने होंगे। अगर मैं कॉल करता हूं अपने जियो की सिम से किसी एयरटेल, वोडाफोन कंपनी की सिम पर, तो मुझे जो पैसे देने पड़ेंगे। इतने दिन जो हमारे पैसे जियो खुद दे रहा था, लेकिन अभी जो जियो ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये पैसे हम नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फिलहाल जो आपको एक नए चार्ज के रूप में आपको रिचार्ज करवाना होगा, तो उस चार्ज का नाम है IUC। तो IUC क्या है मैं आपको बता देता हूं। IUC एक चार्ज है जो किसी भी एक नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से दूसरी कंपनी को दिया जाता है। अगर आप जियो की सिम से किसी दूसरी सिम पर कॉल कर रहे हो तो उसके जो पैसे देने पड़ रहे हैं उस चार्ज को IUC कहा गया है। तो IUC का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी से दूसरी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को अगर कॉल किया जाता है तो उसके बीच में जो लगने वाला चार्ज होता है, ये मिनट के हिसाब से हो सकता है, घंटा के हिसाब से हो सकता है, तो इस चार्ज को जो IUC कहा गया है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको क्या क्या प्लान लेने होंगे। अभी जो मैंने आपको शुरुआत में कहा 149 वाला जो रिचार्ज आपको 500 रुपए में करवाना पड़ेगा, कैसे करवाना होगा मैं चलिए आपको बता देता हूं। तो ये जो सर्विस है, ये जो चार्ज है 10 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया है और अभी तक जो है ये कंफर्म नहीं है कि आगे कब ये बंद होगा या फिर बंद नहीं होगा, क्योंकि ये अस्थायी रूप से किया गया, हो सकता है कि आगे बंद भी हो जाए। अब बहुत से लोगों को यह सवाल होगा कि मैंने तो अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करा के रखा है तो क्या मेरे साथ भी होगा। हाँ जी हाँ, आपके साथ भी होगा, आपको अलग से रिचार्ज करवाना होगा। इसके लिए जियो ने एक अलग प्लान निकाला है, वो प्लान मैं आपको बता देता हूँ। प्लान आपको शो हो रहा होगा कि 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक प्लान होंगे, और ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख सकते हो। इसकी पूरी जो न्यूज है, पूरी जो डिटेल है, PDF वगैरह, अनाउंसमेंट की PDF वगैरह, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप जब पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो रेट है वो कितनी है। तो आपको 10 रुपए में मिलेंगे 124 मिनट, यानी 10 रुपए का आपको रिचार्ज करवाना होगा अलग से। जो आप रिचार्ज करवाते हो अनलिमिटेड कॉल वाला और अनलिमिटेड इंटरनेट वाला, वो तो आपको करवाना ही है, साथ ही आपको अलग रिचार्ज करवाना होगा अगर आप जियो से किसी दूसरे सिम पर कॉल करते हो, तो आपको अलग से करवाना होगा वरना आपका कॉल नहीं जाएगा। अब देखिए, जियो से जियो पर करते हो तो ये तो फ्री है, लेकिन आप जियो से लेकर एयरटेल पर करते हो, वोडाफोन पर करते हो, आइडिया पर करते हो या फिर कोई भी सिम पर करते हो, तो आपको ये रिचार्ज करवाना जरूरी है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप जो रिचार्ज करा रहे थे एक महीने के लिए 149 का, वो 500 रुपए में पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप एक ही दिन में 124 मिनट ही बात करते हो, जैसे कि जियो से वोडाफोन पर करते हो, एयरटेल पर करते हो, तो आपको जो 10 रुपए तो देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो रेट है अभी के लिए निकल कर आई है कि 124 मिनट मिलेगी आपको 10 रुपए में। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक का रिचार्ज करवा सकते हो, तो एक दिन में आप 10 रुपए की तो जो मिनट खर्च कर दोगे। ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं जो आराम से जाऊँ दूसरे सिमों पर बात कर लेता हूँ, एक दिन में 124 मिनट आराम से कर लेता हूँ, अब ज्यादा ही कर लेता हूँ, लेकिन ये मैं मेरी बता रहा हूँ। ऐसे में अगर आप कोई महिला
हो लड़की हो, ये उनकी तो बात ही अलग रहेगी। वो तो ज़्यादा ही बात करती है, एक दिन में चार चार पाँच पाँच घंटे बात कर लेती है। अब जरूरी नहीं हो कि सभी के पास जो है वो ये जियो की सिम हो, क्योंकि यार जियो की सिम जिनके पास नहीं है, वोडाफोन एयरटेल की जिनके पास सिम है, वो क्या करते हैं जियो के पास जब मिस कॉल मारते थे, इतने दिन मिस कॉल मारते थे, जियो से फ्री में कॉल कर लेते थे। लेकिन अभी जब ये नया अनाउंसमेंट आ गया जिसकी बदौलत हमें जो पैसे पे करने होंगे अगर हम दूसरी सिम पे बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप एक दिन में 10 रुपये की भी करते हो तो महीने में 300 रुपये की तो अब आप आराम से कर ही लोगे। तो ये जो पूरा पैसा अगर आप मिलाकर कहोगे तो 500 रुपये आराम से पड़ जाएंगे। तो ये थी गाइज पूरी न्यूज। और गाइज जियो ने ये अनाउंसमेंट भी किया, अगर आप 10 रुपये का रिचार्ज करवाते हो वो जो कॉल वाला मिनट वाला, तो इसके अलावा आपको 10 रुपये में अलग से MB मिलेगी, जो नेट मिलेगा वो जो है फ्री में मिलेगा 1 GB। अब जितने का रिचार्ज कराओगे उसके साथ जो अलग से जो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। 10 रुपये का अगर आप रिचार्ज कराते हो तो जो है जियो ने कहा है, तो ये जो 6 पैसे वाली बात है इसको तो हम नकार नहीं सकते क्योंकि ट्राई ने ये बात भी किया है जियो को। लेकिन हम अपने जियो के कस्टमर को एक फायदा और दे सकते हैं, वो ये कि अगर कोई बंदा 10 रुपये का रिचार्ज करवाता है तो 1 GB उसको फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। ये तो हमारे हाथ में ही है ना, ये हम अपने कस्टमर के लिए कर सकते हैं। तो गाइज ये थी पूरी न्यूज। अगर इसके बारे में भी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जियो ने जो अनाउंसमेंट किया उसकी PDF मिल जाएगी, और जो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया नए प्लान की ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। तो गाइज वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.